तो बात कर रहे हैं वन नेशन वन कार्ड की। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 3 मार्च को अहमदाबाद में एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम वन नेशन वन कार्ड है। तो ये कार्ड का क्या बेनिफिट्स है, ये कार्ड कैसे अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अलग है, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका कैसा बेनिफिट्स है और ये कैसे आप ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में जाएंगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। पहले जानते हैं वन नेशन वन कार्ड है क्या। तो वन नेशन वन कार्ड NCMC के ऊपर काम करता है, इसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कहते हैं। इसे NPCI ने बनाया है, नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने भीम UPI और रुपे कार्ड डेवलप किया है। तो इस कार्ड का आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे मेट्रो में, BRT बसेस, सिटी बसेस, पार्किंग और टोल्स प्लाजा में इस कार्ड का इजिली आप यूज कर सकते हैं। बाकी बेनिफिट्स जो है आपको पहले जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिल रहे थे वो सब एडिशनली मिलते ही रहेंगे। जैसे आप शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, आउटलेट मर्चेंट में यूज कर सकते हैं, ATM विड्रॉवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ इसमें एक फीचर्स जोड़ा गया है जिसका नाम NCMC है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये फैसिलिटीज़ सारे मेट्रो स्टेशंस और आपको टोल्स प्लाजा, पार्किंग प्लाजा में मिलेगा, वहाँ पर आप इस कार्ड का यूज़ कर पाएंगे। आपको ढेर सारे कार्ड लेके दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही कार्ड, वन नेशन वन कार्ड इसका नाम दिया गया है इसीलिए कि एक ही कार्ड से आप सारा काम कर पाएंगे। पहले होता था कि जो दिल्ली मेट्रो में चढ़ रहे हैं तो आप बेंगलुरु मेट्रो में गए तो वहाँ एक अलग कार्ड बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी कार्ड से कहीं भी मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली आपके अकाउंट से ही पैसा डेबिट होगा। तो इस कार्ड का यूज़ करके आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको ATM विड्रॉवल करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, और अगर मर्चेंट आउटलेट पर इस्तेमाल करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो 10% का कैशबैक है। पहले किसी भी कार्ड में आपको विड्रॉवल पर कैशबैक नहीं मिलता था, इस कार्ड में आपको 5% का ATM विड्रॉवल पर कैशबैक मिल रहा है। तो काफ़ी बेनिफिट्स कार्ड्स के। इस कार्ड को आप इंटरनेशनल यूज़ भी कर सकते हैं, ये रुपए बेस्ड कार्ड है। इसे आप डिस्कवर और डिनर क्लब मर्चेंट आउटलेट्स पर इस्तेमाल कर पाएंगे इंटरनेशनली भी। NCMC का फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि मेट्रोज में सिर्फ अक्रॉस द इंडिया काम करेगा, इंडिया के अंदर किसी भी मेट्रो स्टेशन या पार्किंग में या टोल्स प्लाजा पर इस कार्ड का यूज़ कर सकेंगे। वन नेशन वन कार्ड काम कैसे करेगा, तो ये FC टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, इसे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन कहते हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज हर एक मर्चेंट आउटलेट पर लगाया जाएगा, जैसे एक मेट्रो स्टेशन पर, सारे मेट्रो स्टेशन इंडिया में जहाँ भी है सब जगह ये FC लगाया जाएगा। पहले ये सब फैसिलिटीज़ हम लोग फॉरेन से लेते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस, कॉस्ट आता था, रॉयल्टी वसूला जाता, लेकिन ये अब मेड इन इंडिया हो गया जिसका नाम स्वागत और स्वीकार रखा गया है। तो बात करते हैं ये कार्ड आप कैसे ले सकते हैं, तो आपको कार्ड ये कैसे मिलेगा। तो ये कार्ड 25 से ज़्यादा बैंकों में ये अवेलेबल होगा, ये अभी अवेलेबल नहीं, अगले एक महीने के बाद ये अवेलेबल होगा। आप HDFC, ICICI बैंक, SBI, PNB सारे बैंक ये अवेलेबल करेगी। साथ साथ आपका पेटीएम अकाउंट है तो पेटीएम वाले भी ये कार्ड इशू करेंगे, वन नेशन वन कार्ड। ये कार्ड कैसे डिफरेंस होगा आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, तो सारा फैसिलिटी सेम होगा, सिर्फ इसमें एक टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी NCMC, जैसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कहा जाता है। ये फैसिलिटीज़ ऐड होकर सारे कार्ड में आएंगे। पहले जो रुपए कार्ड मिल रहे थे ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अगले जो भी रुपए कार्ड आपको आएंगे इसी फैसिलिटीज़ के साथ आएंगे। तो आप इसे ऑनलाइन भी अपने मंगा सकते हैं और नहीं तो बैंक जाकर भी आप इसे इशू कर सकते हैं। तो ये अभी अवेलेबल नहीं हुआ, अगले एक महीने या 15 दिन के अंदर ये फैसिलिटीज़ आ जाएगा तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल बात करें, ये कार्ड काफ़ी बेनिफिशियल होगा सारे इंडियंस के लिए, सभी को ये कार्ड लेना चाहिए क्योंकि एक ही कार्ड से आप सारा काम कर पाएंगे, मर्चेंट आउटलेट जहाँ भी इस्तेमाल करना, और ऑनलाइन ये मॉनिटर भी आप कर पाएंगे अपने कार्ड को, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी चेक कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर। तो डेबिट कार्ड से सिर्फ थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, सिर्फ आपको NCMC का टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ा गया है। तो सारे कार्ड जो भी आएंगे इसमें कॉन्टेक्स्ट लेस एक सैम्बल लगा होगा, जैसे आप कार्ड में देखते होंगे इस तरह का सैम्बल होता है, तो ये सारे रुपए कार्ड में अब लग कर आएगा। फिर कॉन्टेक्स्ट लेस सैम्बल भी होगा, कॉन्टेक्स्ट लेस यूज़ भी कर सकते हैं इस कार्ड को, बिना पिन पासवर्ड का कॉन्टेक्स्ट लेस काम करेगा। आप सिर्फ कार्ड को टच करेंगे, वेप करेंगे तो ये वर्क करेगा, आपको पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे ये सैम्बल, जिस कार्ड में ये सैम्बल होता है इसका क्या मतलब होता है, क्या फीचर्स होता है, कैसे ये कॉन्टेक्स्ट लेस काम करता है, इसका मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पे आपको और भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल और क्वेश्चन और क्वेरीज है तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसे ही ये वन नेशन वन कार्ड बाकी बैंक इशू करती है, मैं आपको इस वीडियो में लेके आऊँगा कैसे इस कार्ड को बुक करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।